और अब बात करते हैं मुंबई वासियों की। मुंबई करों को इन दिनों यातायात से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अंधेरी में गोखले पुल आज से बंद कर दिया जाएगा। मुंबई के नगर निकाय ने पुल का निरीक्षण के बाद वाहनों के यातायात के लिए असुरक्षित पाया है और बंद करने का आह्वान किया है। इस घोषणा के बाद से यातायात पुलिस ने आने जाने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्गों पर काम करना शुरू कर दिया है। यातायात में होने वाली परेशानियों के चलते मुंबई मेट्रो में भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद जताई है। वहीं उपायों के बावजूद भी आज मार्ग पर यातायात अराजकता की आशंका जताई गई है। मेरे सहयोगी अंकित इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुंबई तो अंकित, ये मुंबई में काफी अहम पुल है, ब्रिज है, जो कि अभी बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में अल्टरनेट रूट जरूर डिसाइड हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आम लोगों को काफी परेशानी होगी, क्योंकि अक्सर इस पुल का इस्तेमाल, इस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि सोमवार की सुबह है ये, तो सोमवार की सुबह यहाँ पे ये जो ब्रिज है वो अंधेरी से लेके वेस्ट की तरफ जाता है, वेस्ट पे लेके वो वर्सोवा, जोगेश्वरी, बैंड्रा, वेस्ट के लिए सबसे ज्यादा ये लोगों के ये सोईस्कर ब्रिज है। अभी फिलहाल आप ये ब्रिज की कंडीशन देख सकते हो कि ये जो ब्रिज है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बैरिगेट्स हर जगह लगा दिए गए हैं ब्रिज के यहाँ पे, और उसके लिए उन्होंने ऑप्शनल रास्ता भी दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है ये एक ऑप्शनल रास्ता है, लेकिन ये जो ब्रिज है ये ब्रिज ये काम करता था कि आपको अंधेरी इस से लेके वेस्ट जाना होता तो ये डायरेक्ट ये ब्रिज आपको लेना होता है। लेकिन अगर ये ऑप्शनल रास्ता अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शनल रास्ता अंधेरी ईस्ट की तरफ जाता है। अंधेरी ईस्ट से जाके आपको सिग्नल से वो सीधा आपको सबवे की तरफ जाना है, और सबवे से आप अंधेरी वेस्ट, मतलब ये सीधा सा सीधा आपको 1 से 1.5 किलोमीटर लगेगा, जो आप यहाँ से 5 मिनट के अंदर ब्रिज जा सकते हो। उसी के साथ साथ अंधेरी वेस्ट का जो इलाका है वहां पे आप अगर देखोगे तो वो वर्सोवा की तरफ जाएगा, वर्सोवा उसके साथ साथ बैंड्रा की तरफ मूव करेगा। लेकिन अभी ये ब्रिज जो है वो 5 साल से, मैं बताना चाहूंगा कि 5 साल से ब्रिज बंद था, उसके साथ साथ एक पोर्शन जो ब्रिज वो बीच की चालू थी, लेकिन अभी की कंडीशन इतनी हालात खराब हो चुकी है कि ब्रिज को बंद कर दिया गया है। प्रशासन कह रहा है कि कम से कम अभी 2 साल लगेंगे ब्रिज बनने के लिए, मतलब 5 साल वो और अभी फिर से 2 साल, मतलब एक मुंबई में छोटा ब्रिज बनने के लिए प्रशासन 7 साल ले रही है, 7 साल ले रही है। और इन 7 सालों की वजह से लोग 7 साल रोड में बहुत सारी उन्हें परेशानियां देखने मिल रही है, क्योंकि सोमवार का समय होता है, उसके साथ साथ हर दिन अब यहाँ पे ट्रैफिक भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे सुबह लोग काम पे आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्रैफिक धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, बैरिगेट्स लग चुके हैं, उनको ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये जो ऑप्शन दिया गया है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि लोगों को, लोग रेडी नहीं होते सुबह सुबह काम पे जाने के लिए, उनको जल्दी होना होता है, तो ब्रिज एक ऑप्शन होता है जो बनाया जाता है कि लोग जल्द से जल्द काम पे चले जाए। लेकिन अभी ये जो ब्रिज है जो 7 साल लेगा, अभी टोटल 2 साल, तो टोटल 7 साल से बंद पड़ा हुआ ये जो ब्रिज है उसके ऊपर प्रशासन कितने जल्द से जल्द काम करती है ये हमें देखना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बड़ी खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं।